नमस्कार दर्शकों, भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत करते हैं कैनी बॉयज की कॉर्नर वीडियो में, जहां पे अपन अनबॉक्स करने जा रहे हैं OnePlus 8T। और भाई अपन इसका करेंगे गिव अवे आप लोगों को बिल्कुल ऐसे दिल खोल के, ताकि आप लोगों को ये फ़ोन मिल जाए और आप अपना पुराना फ़ोन अपग्रेड कर सकते हो एक काफ़ी ही तगड़े फ़ोन में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, पहले इसके अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर इसके ऊपर एक बेसिक रिव्यू करेंगे और बाद में मैं अनाउंस करूंगा गिव अवे कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं बॉक्स की, तो बॉक्स की पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये जो छोटे मोटे आपको डेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, पैकेजिंग के चक्कर में हुआ है, पैकेजिंग उतनी अच्छे से नहीं थी, शिपिंग सिक्योर नहीं, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे साथ अभी गंदी पॉपर्टी हो गई भाई, मैं मतलब रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया अनबॉक्सिंग की, तो यार मैं वापस से अनबॉक्स कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं आपको बॉक्स पूरा रेड कलर में, और यहाँ पे साथ में छोटी सी ब्रांडिंग है OnePlus 8T की। और अगर अपन यहाँ पे बात करें भाई, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जिसमें भाई यहाँ पर लिखा हुआ है सारी कहाँ पे मैन्युफैक्चर वगैरह हुआ है। और अगर मैं बात करूँ भाई, यहाँ पे काफ़ी तगड़ी चीज़ है, एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये भाई ओप्पो मोबाइल्स है। ठीक है, मतलब ओप्पो, अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो ओप्पो, वीवो और वन प्लस तीनों सेम पेरेंट कंपनी को बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से भाई ये मतलब एक साथ मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी इंडिया के अंदर। ठीक है, अब फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वो वही खुल जाए सिमसिम वाला जादू लगता है जो कि वन प्लस ने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डिवाइस देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो डिवाइस को एक बार रखते हैं साइड में, और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो भाई यहाँ पे आपको नेवर सेटल दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसे मस्त एनग्रेव्ड। ठीक है, अगर क्वालिटी की बात कर ले तो ये भी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर आपको कुछ यूज़र मैनुअल्स देखने को मिल जाती है। ठीक है, रेड केबल क्लब का आपको कार्ड भी देखने को मिल जाता है, मैं बताऊंगा रेड केबल क्लब क्या है बाद में। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्विक स्टार्ट गाइड है और एक इनवाइट है वन प्लस फैमिली के अंदर, जो कि भाई आपको मिला है, ये मैंने अभी अभी जस्ट अनबॉक्स करा था और मेरे से गलती से मैं भूल गया कि रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी। ठीक है, तो ये एक आपको कार्ड मिलेगा, हर वन प्लस के साथ में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हाईएस्ट सार वैल्यू वगैरह। हाईएस्ट, आपको सार वैल्यू के बारे में अगर नहीं पता है तो भाई सार वैल्यू होती है जो आपके जो फ़ोन होता है वो रेडिएशन कितनी ज़्यादा देता है। ठीक है, तो भाई ये इसकी सार वैल्यू है, मैं बाद में इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि भाई सार वैल्यू होती क्या है और एक नॉर्मली सार वैल्यू कितनी होनी चाहिए एक फ़ोन। यहाँ पे आपको कुछ मस्त ऐसे वन प्लस के स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आजकल भाई हर कोई देने लग गया है। ठीक है, कुछ सेफ्टी इंफॉर्मेशन है, मतलब ज्यादा कुछ ऐसा सच है नहीं। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, तो यहाँ पे आपको एक टीपीयू कवर देखने को मिल जाता है। अगर क्वालिटी की बात करें तो कोई ज़्यादा खास क्वालिटी नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे नेवर सेटल देखने को मिल जाएगा, जिसमें मतलब इन लोगों ने अपना टैगलाइन दिया है ना। इसको रखते हैं साइड में, और यहाँ पे आपको केबल देखने को मिल जाती है, जो कि वन प्लस की बिल्कुल ऐसे टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल है, जो कि मस्त है भाई। टाइप सी टू टाइप सी केबल इज़ लाइक मस्त, बिल्कुल। ठीक है, अब इसको एक बार रखते हैं साइड में, है ना। और ये बात कर लेते हैं भाई इसके वेब चार्ज की, भाई तो इसका जो वेब चार्ज है भाई वो काफ़ी ज़्यादा अलग है एक नॉर्मल वेब चार्ज से। ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मल वेब चार्ज भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, वो वाली केबल भी। ये भाई ये मेरे पास ये वेब चार्ज है जो मेरा भाई वन प्लस नॉर्ड के साथ में आया था, और भाई ये सेम वन प्लस सेवन प्रो में भी चलता है, बट इन लोगों ने इस बार क्वालिटी ऑफ केबल भी भाई ये जितनी मोटी है उससे थोड़ी सी पतली है ये केबल। और अगर अपन बात करें इसकी पावर सप्लाई की, तो भाई इसमें सारी पावर सप्लाई दे रखी है भाई, 5 वोल्ट 3 एम्पीयर पे, 9 वोल्ट 3 एम्पीयर पे, 12 वोल्ट 3 एम्पीयर पे, 15 वोल्ट 3 एम्पीयर पे, और 20 वोल्ट 2.25 एम्पीयर पे। और अगर अपन बात करें 15 वोल्ट 3 एम्पीयर की, तो यार ये हो गया 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि इसमें 5 वोल्ट 6 एम्पीयर, तो ये 30 वोल्ट की हो गई, तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसमें टाइप सी टू टाइप सी वाला सिस्टम है, जो कि मेरे को काफ़ी सही लगता है भाई, और वो परफेक्ट रहती है एक नॉर्मल चार्जिंग के लिए। ठीक है,
और टाइप सी टू टाइप सी आजकल इसलिए भी अच्छी है क्योंकि आजकल लैपटॉप्स भी टाइप सी वाले आ गए तो इजीली कनेक्टिविटी मिल जाती है। खैर टाइप सी में क्या है, यूएसबी स्टोरेज वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। अब अगर अपन बात कर लेते हैं डिवाइस की, तो भाई डिवाइस जो पहली फील है काफ़ी पतली है और मेरे पास जो कलर है वो एक्वा मरीन ग्रे कलर है। और कलर की बात करें तो भाई वन प्लस नॉर्ड वाला जो ब्लू मार्बल है ना भाई, सेम टू सेम वैसा सा ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इधर ये वाली जो कलर है ना भाई, ये थोड़ा सा बदला हुआ सा है। बात करें कैमरा मॉड्यूल की, तो भाई कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं लगा देता हूँ एक बार साइड में भाई, ये भी इसलिए रखना ज़रूरी है, कई बार काम आ जाती है चीज़ें, ठीक है। बात करें डिवाइस की, तो काफ़ी ज़्यादा हल्की और भाई बहुत अच्छी डिवाइस है। फटाफट से इसको बूटअप कर लेते हैं जब तक अपन इसके फिजिकल अपेयरेंस की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है वन प्लस पावर बैंक नॉर्ड, ठीक है। अगर कैमरा की बात कर ले तो भाई इसके अंदर चार कैमरों का सेटअप है, ठीक है। अगर कैमरों की बात करें तो भाई इसके अंदर एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि मेन कैमरा है, ठीक है। और वाइड कैमरा भी है, वाइड एंगल लेंस भी है और f1.7 का लेंस है। और अगर अपन बात करें 16 मेगापिक्सल का f2.2 का अल्ट्रा वाइड लेंस है, ठीक है। और 5 मेगापिक्सल का f2.4 का मैक्रो लेंस है और 2 मेगापिक्सल का f2.4 का मोनोक्रोम लेंस है विद ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी, जो कि मोनोक्रोम लेंसेज में नहीं आती थी कुछ फोनों में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फटाफट से इसका, मैं आपको कैमरा बाद में दिखाऊंगा, फटाफट से इसको सेटअप कर लेते हैं। यहां पे मैं एग्री कर देता हूं। सो भाई सेटअप पूरा हो चुका है, अब बात कर लेते हैं भाई इसके स्क्रीन के ऊपर, जो कि मैं स्टार्टिंग से पूरा फिजिकल अपीयरेंस आपको देने वाला हूँ भाई इसकी स्क्रीन का। सबसे पहले भाई इसकी स्क्रीन की बात कर लेते हैं, जो इसकी स्क्रीन है वो भाई फ्लूइड एमोलेड की डिस्प्ले और काफ़ी ही तगड़ी डिस्प्ले है। जैसे कि आप देख सकते हो भाई, ये 6.5 इंचेस की डिस्प्ले है जो कि 1080p x 2400 पिक्सल की डिस्प्ले है और भाई काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन दे देती है। और अगर अपन बात करें भाई इसकी ब्राइटनेस की, तो ये भी काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस दे देती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, मैं अभी पूरी लाइट्स में हूं और मैं भाई अच्छे से स्क्रीन को देख सकता हूं, जो कलर की क्वालिटी है ना भाई अप टू द मार्क है भाई। और मैं कहूंगा काफ़ी अच्छी स्क्रीन है इस प्राइस पॉइंट के अंदर जो कि मैंने अभी तक देखी है। मैं बात अगर कंपेयर करता हूँ मैं मेरे आईफोन से भी, इनफैक्ट तो भाई मेरे आईफोन से भी बेटर स्क्रीन है और कम प्राइस के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भाई इसके एस्पेक्ट रेशियो की, तो भाई इसमें 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो नहीं है, अब आप लोगों को पता है भाई इसमें 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, जो कि मतलब पंचोल कैमरा के साथ में आती है और बिल्कुल ऐसे कोने में पंचोल कैमरा को दबा रखा है, जो कि एक आइकन से ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। अब अगर अपन कैमरा की बात कर ही ली है, तो भाई चलते हैं कैमरा अगर भी रिव्यू कर ही लेते हैं, ठीक है। आइए इन 3 2 1 भाई आ चुके अपन मस्त ऐसे हरे भरे वातावरण के अंदर। आप लोगों को पता है भाई अपन अपनी वीडियोस भाई यहीं बनाना पसंद करते हैं जब अपन कैमरा क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट से अपन कुछ सैंपल शॉट्स ले लेते हैं फोटोज और वीडियोस के, ठीक है। फटाफट से आ जाइए इधर और अभी अपन लेंगे सिंपल 48 मेगापिक्सल वाले कैमरा से, कोई पोर्ट्रेट मोड वगैरह नहीं है, ठीक है। और अगर अपन बात करें इसकी, ठीक है, भाई मतलब इसके अंदर लाइव फोकस इतना तगड़ा है ना भाई, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, जब ये लाइव फोकसिंग कर रहा है ना, पूरा बैकग्राउंड का जो ब्लर है ना भाई, तगड़ा आ रहा है ना। और अगर अपन बात करें फोटोज़ की, तो भाई आप ये देख सकते हो काफ़ी तगड़ी आ रही है भाई, पोर्ट्रेट मोड के अंदर ये फोटो है भाई, मतलब सिंपल मोड में है बट भाई ये बिल्कुल पोर्ट्रेट मोड वाला इफेक्ट दे रही है। और भाई जैसा DSLR के अंदर होता है ना, बिल्कुल लाइव फोकस वाली टेक्नोलॉजी भाई वो आ रही है इसके अंदर और वो मेरे को काफ़ी सही लग रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट मोड की, तो भाई पोर्ट्रेट मोड भी डेप्थ इफेक्ट डालता है, बट इसके अंदर मैनुअली आप डेप्थ इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत जो इसका बैकग्राउंड ब्लर होता है उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कम ब्लर ज़्यादा ब्लर, ठीक है। फटाफट से एक फोटो बैकग्राउंड ब्लर वाली फ़ोटोज़ खींच के आपको दिखा दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप आकर देख सकते हो भाई कलर्स कितने प्यारे आ रहे हैं, ठीक है। और डेप्थ इफेक्ट की अगर बात करें तो इसने डेप्थ इफेक्ट जज कर लिया है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव फोकस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, बट अगर अपन बात करें फोटो की क्वालिटी की, तो भाई साहब अल्टीमेट क्वालिटी आई है विद परफेक्ट एज कटिंग ऑफ ब्लर। और कलर्स की अगर बात करें, कलर्स काफ़ी तगड़े आए हैं, ठीक है। कुछ और आप फटाफट से यहाँ पे फोटोज देख सकते हो, जिसमें भाई साहब ये इसी कैमरे से ली गई है, कुछ पोर्ट्रेट मोड पर सिंपल फोटोज है, ठीक है। बट अगर अपन बात करें कैमरा क्वालिटी की, इट्स अप टू द मार्क और काफ़ी तगड़ा कैमरा है ये। अब फटाफट से इन 3 2 1 अपन वीडियो की क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे, 3 2 1। सो भाई साहब अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो भाई 48 मेगापिक्सल वाले मेन कैमरा से, और अगर वीडियो क्वालिटी की बात कर ले ना भाई, अल्टीमेट वीडियो क्वालिटी आ रही है। कलर्स वगैरह की अगर बात करें, काफ़ी तगड़े कलर देखने को मिल जाते हैं। और अभी हमारे बीच में डिस्टेंस अराउंड
2 फुट के आसपास का, तो काफ़ी अच्छा माइक भी बढ़िया सा आया था, मस्त मैंने ट्राई किया था, ठीक है। और अगर अपन बात करें क्वालिटी की, ऑल ओवर वीडियो क्वालिटी की, तो भाई 1080p 60fps, 4K 60fps तक सपोर्ट करता ही है। और अगर आप स्लो मोशन में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो 1080p 240fps तक सपोर्ट करता है, जो भाई तगड़ा स्लो मोशन आ जाता है, ठीक है। बाकी 720p वगैरह सारे हैं इसके अंदर मोड, बट अपन प्रेफर करते हैं 1080p 60fps, क्योंकि वो अभी के लिए सही है। बट जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हम 4K 60fps भी करेंगे। फटाफट से बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की। सो भाई अभी अपन शूट कर रहे हैं फ्रंट कैमरा से, और अगर अपन बात कर ले भाई थोड़ा सा ये ज़्यादा जूम इन वाला ले रहा है, थोड़ा ज़्यादा वाइड नहीं है, और ये भाई सिंगल फ्रंट कैमरा है तो उसकी वजह से भाई इसमें ज़्यादा वाइडनेस आ नहीं रही है। बट यार क्वालिटी की अगर अपन बात कर ले तो काफ़ी तगड़ी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। और अगर अपन बात करें इसके अंदर 4K 60fps तक का सपोर्ट है, जो कि काफ़ी सही है। बट यार एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है भाई, मेरा फ़ोन पूरा फुल्ली स्ट्रेच्ड है, और आप ये देख लो भाई इतनी सी फ्रेम ले रहा है, तो फ्रेम स्पेस थोड़ी सी कम है, बट काफ़ी सही है, ठीक है। अब फटाफट से कुछ फोटो सैंपल्स फ्रंट कैमरा के देख लीजिए, फिर अपन चलते हैं स्टूडियो में। तो अब बात कर लेते हैं भाई कैमरा के मामले में, अगर बात करें ना तो भाई कैमरा इसका काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे, ठीक है, क्योंकि वन प्लस है और वो अपने कैमरों का काफी ज्यादा ध्यान रखती है। और भाई अगर आप लोग वन प्लस देखते हो तो भाई वन प्लस में कैमराज काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं, और 6 के बाद से मेरे को कैमरा काफी ज्यादा मतलब इनोवेटिव और ज्यादा अच्छे लगे एज कम्पेयर टू इसके प्रीवियस मॉडल्स। और सेम इस बजट में, इस बजट के मुकाबले में अगर देखोगे तो काफी अच्छे कैमराज हैं वन प्लस के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार इसकी बैटरी और चार्जिंग के ऊपर, तो यार इसके अंदर जो बैटरी है ना भाई वो है 45,000 की लिपो बैटरी, जो कि लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी होती है, ठीक है, जो कि नॉर्मल हर फोनों में यूज होती है। और चार्जिंग में भाई साहब इसमें फास्ट चार्जिंग है वेब चार्ज की। अब एक छोटा सा बेवकूफ़ जो आप लोगों को कंपनी अमेजोन और डिफरेंट लोग बना रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर बोला जाता है 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग, और इसका नाम भी ये दिया गया है वेब चार्ज 65, जबकि ऐसा नहीं है, ये 45 वॉट का ही आउटपुट डिलीवर करेगा आप लोगों को। और इनफैक्ट चार्जर पर बहुत छोटा लिखा हुआ भी है 45 वॉट का चार्जर है, 45 वॉट मैक्स आउटपुट मिलेगा आपको, तो 65 वॉट नहीं है 45 वॉट है भाई, ये इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है। बट अगर अपन बात करें 45 वॉट के हिसाब से भी काफी अच्छा फोन को चार्ज कर देता है, मतलब ये मान के चलो 1 से 1 घंटे के अंदर आपको आपका फोन फुल चार्ज मिलेगा फ्रॉम 20 to 100, या फिर ये कह लीजिए 10 to 80, क्योंकि मस्त ऐसे, और आपको काफी अच्छी पावर देखने को मिल जाएगी, इनफैक्ट आपका डे टू डे वर्क भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं भाई इसके फिजिकल ओवरव्यू की, जो कि भाई इसका है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा भाई पावर रॉकर्स, ठीक है, जो कि आपकी वॉल्यूम को अप डाउन करने के काम आएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अलर्ट नोटिफिकेशन, जो कि आपके मतलब फोन को साइलेंट रिंगर और वाइब्रेट मोड पर डालेगा, ठीक है, ये हर वन प्लस में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ पे टाइप सी का चार्जर पोर्ट है, और यहाँ पे भाई स्पीकर वेंट्स है, और माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट है, सॉरी सिम का स्लॉट है। अगर अपन बात कर ले पीछे की तरफ तो कुछ वन प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे एक कैमरा बम्प है। कैमरा बम्प की बात करें तो ज़्यादा मोटा बम्प नहीं है ये, तो मतलब एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कवर किया, कवर लगाने के बाद में तो भाई ये फ़ोन बिल्कुल ऐसे मतलब सिंपल हो जाएगा, तो कैमरा मॉड्यूल को ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है। अगर अपन बात करें साइड में एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है, जो कि बाद में थोड़े बहुत डेंट्स वगैरह पड़ सकते हैं, और यहाँ पे कलर कोटिंग भी हट सकती है। पीछे की तरफ मिरर बैक है, तो छोटे मोटे स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे जल्दी से, क्योंकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है इसमें, और ऐसे मतलब कितने भी स्क्रैचेस लगा लो नहीं पड़ेंगे जल्दी से। आगे की तरफ भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, जिसमें स्क्रैचेस तो नहीं पड़ेंगे बट क्रैक्स तो आएंगे ही आएंगे, तो टेम्पर्ड वगैरह लगा लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के ओवरऑल रिव्यू की, तो मैं इस फ़ोन को कितना रेट करूँगा, तो आउट ऑफ 10 मैं इसको फ़ोन को रेट करूंगा 8.5, जस्ट बिकॉज कि इसके जो कॉम्पिटेटिव फ़ोन्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे प्राइस सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे, और आपको थोड़े बहुत इसमें प्राइस सेगमेंट जो है यार इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी नीचे रखते हैं ना भाई, क्योंकि 42 इज़ लाइक थोड़ा सा ज़्यादा, अगर ये लोग 70 के आसपास की प्राइसिंग रखते हैं, 37-35 के आसपास, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव फ़ोन होता है लेने के लिए। बट अगर आप लोग इसको सेल में इंतज़ार करिएगा, सेल में काफ़ी अच्छे ऑफर देखने को मिल जाते हैं। मैंने भी इसका अमेजोन ग्रेट इंडिया, जो कि अभी जो अमेजोन की वो वाली सेल चल रही थी दिवाली वाली, वो काफ़ी तगड़ी सेल थी, इसके अंदर 42999 का फ़ोन था, जिसमें मेरे को 27500
700 का मेरे को सॉरी 2750 का कैशबैक मिल गया था, और साथ में आप अगर मेरे लिंक से लेंगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिला सकता हूँ। जब आप ऑर्डर लें तो आप मेरे को कंफर्म कर दें इंस्टाग्राम पे DM करके, और मैं आपको जो मेरे को उसका कमीशन मिलता है मैं आपको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वापस कर दूंगा, तो उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ऑर्डर करोगे तो ये डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा सस्ता फ़ोन पड़ गया, बट अगर आप लोग यार नॉर्मली ले रहे हैं तो यार फ़ोन थोड़ा सा महंगा है, 43-45 के आसपास का है। तो वेट करिए कि भाई ये फ़ोन 38-39 के आसपास आ जाए तो काफ़ी ज्यादा अच्छा फोन होगा। बट भाई 42 के आसपास भी फोन ऐसा कोई है नहीं जो इस फोन को टक्कर दे सके, काफी तगड़ा फोन है। अब बात कर लेते हैं भाई गिव अवे की, कि भाई गिव अवे में आप कैसे पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो भाई दो फोन है गिव अवे के लिए, एक फोन तो ये वाला है और एक फोन में हैंड टू हैंड जब गिव अवे रिजल्ट अनाउंस होगा तो मैं डायरेक्टली भाई कस्टमर के घर सॉरी मेरे व्यूअर के घर पे मैं उसको ऑर्डर करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि फालतू डिलीवरी चार्जेस वगैरह देने का क्या फायदा जब अमेजोन फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करता है। तो ठीक है, गिव अवे के लिए 3 सिंपल रूल्स है भाई। ये वीडियो 50,000 व्यू क्रॉस करनी चाहिए, साथ में 2,500 लाइक क्रॉस करनी चाहिए, उसके बाद में आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दो रूल्स, तीसरा रूल भाई कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई क्या मतलब आपको इस फोन की क्या खासियत लगी और आप इस फोन का क्या इस्तेमाल करोगे, और साथ में इस वीडियो को 3 जनों के साथ में शेयर करना है। और जब हम लोग चेक करेंगे, जब आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो हम लोग चेक करेंगे कि आपने शेयर किया था कि नहीं किया था, तो उसी के बेसिस पर आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो पसंद आई है तो भाई गिव अवे के लिए सारे रूल्स वही वाले यहाँ पर भी लगा देना। ठीक है, और साथ में भाई साहब ऐसे ही अपना वीडियो में प्यार देते रहना एज ऑलवेज। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।